क्षमा कीजिएगा आयश्री जी, अहंकारी और भटके हुए व्यक्तियों को सच सदैव कड़वा लगता है। महारानी, महारानी, श्लोकों को याद करना अलग बात है और उन्हें व्यवहार में लाने से घरेलू संस्कार आते हैं। वो तो हम आपसे ही सीखेंगे ना, और वैसे भी बड़ों और गुरु के चरणों में ही तो ज्ञान की वृद्धि होती है। कृपया आप हमारा मार्गदर्शन कर दीजिएगा। अवश्य करेंगे और सब कुछ सिखाएंगे। आज चूल्हा पूजन है, एक आदर्श गृहिणी की शिक्षा का पहला चरण। सुंदर, जी महारानी सर, जाओ जाकर महाराज को हमारा संदेश पहुंचा दो। रुक जाओ, महारानी, क्या आपका यह संदेश इस प्रथा से भी अधिक महत्वपूर्ण है? जी आयश्री जी, हम महाराज को उनके इतने ऐतिहासिक और न्यायोचित निर्णय लेने पर धन्यवाद देना चाहते हैं। जल्दी जाओ। रुको, महारानी लक्ष्मीबाई, ये प्रथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम है ना, हम आपका संदेश पहुंचा देंगे महाराज को, क्योंकि याद रखिए, आज आपके हाथ का बना भोजन महाराज ग्रहण करेंगे। इसलिए महारानी, जरा ध्यान रखिएगा। हे देवा, हमें महाराज से मिलकर उन्हें धन्यवाद करना था। महाराज को अनोखा उपहार देंगे। राजा को शय पर शय दिए जा रहे हैं। परमात के पहले चाल बदल जाती है। आपको गंगाधर राव के साथ हुए अनुबंध के बारे में मालूम तो होगा ही, स्लीमन ने ट्रीटी साइन कर ली। हमें इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है। ये स्लीमन साहब को दीजिए। और उनसे कहिएगा कि गंगाधर राव को 3 महीने की जगह केवल 15 दिन का अवसर मिलना चाहिए। ये बड़ा काम, हमें अपने जैसे और ऑफिसर्स को आपके फेवर में लाना होगा। जो मांगेंगे सुखुबाई दे, समझ गए? उसके बाद तो इस शहर को मात में बदलना ही पड़ेगा। हमें आप जैसी ज्ञानी साध्वी से ऐसे तुच्छ कटाक्ष की आशा नहीं। विष्णु पुराण की अध्याय 3 में स्पष्ट लिखा, वर वधु के आयु के बीच 3 और 1 का अनुपात होना चाहिए, जैसे हमारे और महाराज के आयु में अंतर है। और भटके हुए व्यक्तियों को सच सदैव कड़वा लगता है। एक न्यायप्रिय राजा को उनकी रानी का कोटि कोटि धन्यवाद।
हम सदैव आपकी रानी होने का मान रखेंगे और सदा आपके राजधर्म का पालन करेंगे। आपकी लक्ष्मी बाई। महारानी साहब, आपने ऐसा क्यों लिखा? आज महाराज एक राजा और एक पति होने के नाते हमारा दिल जीत लिया। हे मंगलमूर्ति, आप हम पर और हमारे महाराज पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रख। महाराजा कर देख ले तो महारानी की मेहनत सफल हो जाए। आशी जी ने तो अब तक महाराज को बता दिया होगा, वे आते ही होंगे। महाराज अभी तक क्यों नहीं आए? क्या महाराज को हमारा संदेश नहीं मिला? जब भी हमें आपसे बात करनी होगी हम अपने तीर से उसे भेज देंगे। इस समय हमारे बीच जो बात हुई उसकी चर्चा मनुष्य न करें। क्या बात है आयश्री? वो बेटा, हम चाहते हैं कि तू हमारे साथ हमारे कक्ष में मंदिर में आए। अवश्य। ईश्वर का आशीर्वाद लेना चाहिए बेटा। आज तूने दरबार में ऐसा ऐतिहासिक निर्णय लिया है, हमें लगता है कहीं हमारी नजर न लग जाए तुझे। महाराज अभी तक नहीं आए। गजानना श्री गण। रुक जा रहा बेटा। नेवालकर परिवार का सर तूने आज गर्व से और भी ऊंचा कर दिया। अपनी शत्रुता को ध्यान में रखते हुए तूने जो ऐतिहासिक न्याय किया है उसकी वजह से आसपास के सभी राज्यों में झांसी नरेश की ख्याति और भी बढ़ जाएगी बेटा। आपने हमारे निर्णय को स्वीकार करके हमारे मन का बोझ हल्का कर दिया, अन्यथा हम तो ये समझ रहे थे कि आप हमारे इस निर्णय से रुष्ट होंगे। नहीं बेटा, अब तो हमारे बिना ही इतने बड़े ऐतिहासिक निर्णय लेने में सक्षम हो गया। महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी। रावबा, बेटा उस समय हमने जो कुछ भी किया वो तेरे हित में था, क्योंकि तब तू हम पर निर्भर था। तू सदैव हमारे आदेश के बिना एक पग भी नहीं रखता था। परंतु अब तेरे पास हमारे लिए समय नहीं है। राजकाज की जिम्मेदारी के साथ साथ
अब तो तुझे महारानी का भी ध्यान रखना है। अशरफ कैसी बातें कर रही है? आपसे अधिक महत्वपूर्ण पहले भी कोई नहीं था और आज भी कोई नहीं है, इसलिए तो महारानी आपके संरक्षण में। संरक्षण में तो है बेटा, परंतु अगर वो हमारा थोड़ा और सहयोग दे देती हमें तो क्या? क्या ये आप उपहार अभी महाराज को देंगे? अवश्य देंगे, पर इसका अर्थ है कि वो आपकी आज्ञा का पालन नहीं करती? नहीं रामबा, जो तू समझ रहा है वो बात नहीं है बेटा। अब जैसे हमने उनसे कहा कि महल के बाहर मत जाना, परंतु वो गई। बाहर की स्त्रियों से भी संपर्क करना उसे अच्छा लगता है। अब रावा तो कुछ सोच, वो महारानी है, हर आम आदमी से वो इस तरह से नहीं मिल सकती। परंतु रावा, तू महारानी से कुछ मत कहना, बच्ची है ना वो, हम है ना, हम उसे अच्छी तरह से समझा देंगे। बेटा आज चूल्हा पूजा और महारानी हमारे ही कहने पर रसोई घर में तेरे लिए व्यंजन बनाने की तैयारी कर रही। महाराज, आपने आपको कई जगह ढूंढा महाराज, वो हम आपको आपके निर्णय पर धन्यवाद स्वरूप इसे भेंट करना चाहते थे, इसलिए हमने आयश्री जी से भी संदेश। आयश्री आपके दासी हैं जो आपका संदेश हम तक पहुंचे। रावबा, इसमें महारानी का कोई दोष नहीं, इन्होंने हमसे कहा था, परंतु हम तुझे कहने ही वाले थे। आप इस प्रकार इनका पक्ष मत लीजिए। और आप इतना भी नहीं जानते कि महारानी की गरिमा क्या होती है? इतने दास दासियां होते हुए महारानी हमें ढूंढ रही। रावबा, बेटा महारानी ने दासी को कहा था, परंतु आयश्री, आयश्री बनने और बिगड़ने की आयु यही होती है। यदि आप हर भूल को अनदेखा करेंगे तो महारानी एक गृहिणी के गुणों से वंचित रह जाएगी। महाराज, ये क्या है? क्या हाथ में लेके यहाँ वहां क्या महल में घूम रही हैं? महाराज, आप अपने कक्ष में जाएं। रावबा, बेटा वो अभी बच्ची है और एक बहुत ही साधारण परिवार से आई है। बेटा थोड़ा समय जरूर लगेगा, परंतु धीरे धीरे अवश्य समझ जाएगी। क्षमा कीजिए मुझे, आपको इतनी नरमी नहीं, थोड़ी सी सख्ती बरतनी पड़ेगी, अन्यथा आपका सारा प्रयास विफल हो जाएगा। उन्हें अभी इतना आभास नहीं है कि एक महारानी को महल में इस तरह घूमना उचित नहीं है। शांत हो जा बेटा, हमने तुझसे कहा ना, आज चूल्हा पूजन है और आज महारानी खुद अपने हाथों से तेरे लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाई, हम उसकी पूरी पूरी सहायता करेंगे और साथ साथ समझा भी देंगे। तू चिंता मत कर, हम है ना, हम चलते हैं। जी तेरा।
तुम्हारे महाराज। एक क्षण में तो ऐसा लगता है जैसे उनसे विलक्षण व्यक्ति संसार में कोई है ही नहीं, और दूसरे एक क्षण ऐसा निर्दय व्यवहार, हमें इस तरह धुतकार दिया जैसे हम उनकी पत्नी नहीं किसी दासी से भी गए गुजरे हो। हाँ, तुम तो उनका पक्ष लोगे, वो एक अच्छे राजा अवश्य हो सकते, परंतु एक अच्छे पति बिल्कुल नहीं। उनके लिए पहली बार इतने जतन से एक उपहार बनाया था, डांटने लग गए, ये क्या लिए घूम रही हो? तुम ये बताओ सावरिया, क्या उपहार दास दासियों के हाथों भेजा जाता है? सबके साथ न्याय और अपनी पत्नी के साथ ऐसा अन्याय। महारानी, दो दिन में हमारे रावबा को नहीं समझ पाएंगी आप, किस बात पर क्रोधित हो जाता है और किस बात पर प्रसन्न, ये हमसे अधिक कोई नहीं समझ सकता। महारानी, वो केवल तुम्हारा पति नहीं बल्कि एक शासक है, बड़े दायित्व है उसके कंधे पर, सबको साथ लेकर चलना किसी साधारण व्यक्ति का काम नहीं। बड़ी कठिनाइयों से संवारा है हमने उसके चरित्र को, और आप अपनी मूर्खता की वजह से उसके लिए नहीं परंतु स्वयं तुम्हारे लिए समस्या उत्पन्न कर रही। क्षमा कीजिएगा आयश्री जी, आज फिर हमसे भूल हो गई। विश्वास कीजिए, महाराज को उनके निर्णय पर धन्यवाद देने की उत्सुकता में ढूंढते ढूंढते आपकी कक्ष तक पहुंच गए थे और वो नाराज हो गए। ऐसा ही हमारा रावबा, यदि उसे जरा सा भी आभास हो जाता है कि कोई हमारी अवहेलना कर रहा है तो उसे सहन नहीं होता। परंतु हमने तो तुम्हारी शिकायत भी नहीं की उससे। आयश्री जी, हम आपके बहुत आभारी हैं, उस समय आपने हमारा पक्ष लिया था। महारानी, और करते भी क्या, ये तो हमारी विवशता थी। अगर तुमसे कुछ कहते तो तुम उपेक्षा करती, और बिठूर में तुम्हें कुछ सिखाया नहीं गया। क्षमा चाहते हैं आयश्री जी, भले आप विश्वास करें या ना करें, परंतु हमारे बाबा और आजोबा ने हमें जो संस्कार दिए हैं उसमें हमें ये सिखाया गया है कि पति परमेश्वर होता है, उनका आदर करना चाहिए, और उनका आदर करना पत्नी का पहला धर्म होता है। और हमारी दृष्टि में महाराजे का अच्छे पति होने के साथ साथ योग्य शासक भी, और जल्द ही हम महाराज का दिल जीत कर रहेंगे।